नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद क्रॉनिक। चलिए दोस्तों, से शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले, अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले बेल को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज तारीख है 10 नवंबर और शाम के 5 बज रहे हैं। लाइव मार्केट आज मार्केट ऑफ हो चुकी है इस टाइम पे, बट मार्केट के समय में ही अवस्थ ओवर का क्वार्टर वाई का 2 का रिजल्ट आया था, हाफ ईयर का रिजल्ट आया था। रिजल्ट का हम ओवरव्यू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कंपनी की वेबसाइट ओपन की, कंपनी के बिरला ग्रुप की कंपनी है अवध शुगर के नाम से, अगर शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, शुगर के नाम से वो समझ गए, शुगर सेक्टर की कंपनी है। और कंपनी का मैनेज कंपनी और वर्किंग क्या है, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, ठीक है। एथेनॉल की डिमांड, ये सब चीज़ आपको पता है, शुगर सेक्टर सारे का अपना एथेनॉल सब बनाती है। तो ये कंपनी के मोटा मोटा ओवरव्यू है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि शुगर सेक्टर के अंदर क्या क्या होता है सब कुछ आपको पता है। इनके कुछ प्रोडक्शन है, टी के अंदर भी इनका प्रोडक्शन है, ठीक है। कैन फूड एंड इनके अंदर भी इनका प्रोडक्ट के अंदर इनका वो है, ठीक है। तो इनका ये प्रोडक्शन है शुगर इंडस्ट्री एंड एल्कोहल रिफ्लेक्टिव स्प्रिट और पावर ये रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं। ये यानी कि वो जूट टाइप का होता है ना, उससे यानी उसको बर्न करके बायो बल वाली एनर्जी क्रिएट करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इनका एथेनॉल का है, शुगर का है, ये सेगमेंट है इनका, ठीक है। तो एथेनॉल को लेके गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में एक और कैबिनेट की शायद न्यूज़ सुनने में आ रही है कि 2 रुपये एथेनॉल का प्राइस बढ़ाया गया है। तो प्राइस बढ़ने के बाद से इनका इम्पैक्ट जरूर बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन वही थी, प्राइस नहीं बढ़ा था। तो ये ओवरव्यू आप समझते हैं इसके अंदर आज हुआ क्या है। क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद इसके अंदर हुआ स्पार्क क्या देखा, अब देखने को मिला वो देखते हैं। तो आज ये ओपन होता 445 रुपये का, हाई मारा ने 479 रुपये का और लो मारा ने 445 रुपये का। देखिए 3% की तेज़ी के साथ आज ये बंद हुआ है, ठीक है। इसका 52 हाई है 548, 52 लो है 156.5 पैसे का। तो इसने एक दिन के अंदर कितना दिया अभी तक, इसने 3% रिटर्न दिया, क्योंकि तीन या साढ़े तीन पंद्रह के बीच में इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि अब इसमें और भी अब ट्रेंडिंग देखने वाले, जिस तरह से इसका क्वार्टर का रिजल्ट आया। पहले समझते इसने 5 दिन के हमें कितने रिटर्न दिए, 5 दिन के अंदर इसने अभी तक हमें 4% रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ के अंदर इन्हें 0.4074% रिटर्न दिए हैं। 6 मंथ के अंदर इन्हें अभी तक 38.56% रिटर्न दिया, और अभी तक इसने 115 ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इसने 115% रिटर्न दिया अभी तक इसने, ठीक है। ये तो ओवरव्यू, और ये इंडिया कंपनी की के ग्रुप का वेंचर है अवध शुगर लिमिटेड। तो अब इसके अंदर समझते हो और क्या न्यूज़ है इसके अंदर। देखिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते, पहले इसके प्रमोटर के अंदर इसकी है 60% प्रमोटर के पास है, 38% इसके अंदर पब्लिक के पास है, 0.09 यानी 1% के आसपास इसमें इसके अंदर किसकी FIIs की और DIIs की है, ठीक है। दोनों की थोड़ी थोड़ी सी परसेंटेज इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर 0.01% ऐसे 0.95% FIIs की है, 0.1% इसमें DIIs की है। तो FIIs DIIs इसके अंदर एक्टिवेट है, और पब्लिक भी है और प्रमोटर भी है। अब अवध शुगर का क्वार्टर रिजल्ट आया, वो समझते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए अवध शुगर एनर्जी लिमिटेड कंपनी का नाम ही है, ठीक है। एनर्जी और शुगर सेक्टर दोनों ही बूम पे, और दोनों की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। चाहे वो एनर्जी को ले लीजिए, चाहे आप शुगर सेक्टर, दोनों सेक्टर के अंदर कंपनी वर्किंग है। तो डेफिनेटली इस शेयर के अंदर मूवमेंट देखने को बहुत तेज़ी से मिलेगा आपको, और आने वाले समय में इसमें और अच्छे टारगेट दे लेंगे, और आने वाले समय में ये अच्छे और लेवल पर ट्रेड कर रहा होगा, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इसका मार्केट कैप है 900 करोड़ रुपये का, स्टॉक पी 8.61% पे, ROCE इसका 10% है, ठीक है। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 12% है, बुक वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी है 333 रुपये की है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है, ये भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। तो ये ओवरव्यू है इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर सितंबर के अंदर इसकी सेल हुई है 620 करोड़ रुपये की। ये देखिए सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया आज इसका, ठीक है, 3:30 बजे करीब में। तो इसमें 620 रुपये की सेल हुई है अभी तक, 620 करोड़ रुपये की। इनका एक्सपेंस कम हुआ है इस क्वार्टर, इनका देखिए 545 का हुआ है, ठीक है। इनका नेट प्रॉफिट आया 75 करोड़ रुपये का, नेट प्रॉफिट आया इनका 25 करोड़ रुपये का, ये काफ़ी अच्छा है नेट प्रॉफिट। इनका EPS में भी ग्रो हुआ, 12.61% हुआ है। अब देखिए इसके अंदर क्वार्टर रिजल्ट के अंदर, जून क्वार्टर के अंदर इनका 619 करोड़ की सेल हुई थी, वहाँ इनका 549 का इनका सेल एक्सपेंस हुआ था,
इनका प्रॉफिट आया था 70, नेट प्रॉफिट आया था 19, यानी कि क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी इनका प्रॉफिट अच्छा आया और ईपीएस में भी ग्रो हुआ है क्वार्टर क्वार्टर वाइज। अब ईयर ईयर वाइज देख लेते हैं तो सितंबर 2020 के अंदर इनका सेल सेम हुई है, सेल में कोई फ़र्क नहीं आया, बट एक्सपेंस कम हुआ है, यानी कि आप देख रहे हैं क्वार्टर क्वार्टर वाइज और ईयर ईयर वाइज, दोनों ईयर ईयर वाइज क्वार्टर क्वार्टर वाइज इनका एक्सपेंस कम हुआ है, यानी एक्सपेंस का मतलब कंपनी खर्चे कम कर रही है, इसका मतलब कंपनी ग्रोथ जरूर होगी, क्योंकि जिस कंपनी में खर्चे कम होते हैं वो सेविंग के पर्पज़ से चलती है, प्रॉफिट कम करती है, वो डेफिनेटली ग्रोइंग की तरफ जाती है। ठीक है, आप भी चाहते हैं अपने घर के अंदर कि खर्चा कम से कम करने की कोशिश करते हैं, कंपनी वही स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है इस टाइम पे। ये देखिए, इनका ऑपरेशन प्रॉफिट आया था 54, नेट प्रॉफिट था 7 करोड़ का, तो नेट प्रॉफिट में तो काफ़ी इजाफा देखने को मिला है आपको ईयर ईयर वाई भी, क्वार्टर क्वार्टर वाई भी। ईपीएस देखिए इनका 3.60 से बढ़ के 12 पॉइंट हो गया, यानी कि ही ईयर ईयर वाई में 70% ईपीएस में ग्रोथ आ गई है और क्वार्टर क्वार्टर वाई के अंदर भी 30% ईपीएस में ग्रोथ आ गई, यानी कि यही चीज़ देखने होती है, ईयर ईयर वाई भी प्रॉफिट आया और क्वार्टर क्वार्टर वाई भी प्रॉफिट आया और ईपीएस में भी ग्रोथ आई है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई है। डेफिनेटली आप देखिए ईयर ईयर क्वार्टर क्वार्टर दोनों में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आपको, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट एक अनुमान से लगाया जाता था, रिजल्ट काफ़ी अच्छे, सेल सेम रही है, सेल में कोई फ़र्क नहीं आया, बट उसी सेल के अंदर इन्होंने कंपनी प्रॉफिट अर्न किए हैं, ईपीएस में ग्रोथ की है, अर्निंग पर शेयर की है, हमारे लिए बेस्ट होता है अर्निंग पर शेयर, इसमें ग्रोथ करी है कंपनी ने, ये समझने वाली बात होती है। कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छा बढ़ गया है, ईयर ईयर वाई भी नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, क्वार्टर क्वार्टर दोनों पोजिशन में क्वार्टर क्वार्टर ईयर वाइज दोनों के अंदर इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। अब इसके अंदर और क्या समझने वाली चीज़ें ये देखते हैं, ये ओवरव्यू है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखिए 25.07% प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट राइज करा सितंबर क्वार्टर के अंदर, देखो आपको बताया था ना। तो अब इसके अंदर देखिए, मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा, डेली चार्ट के अंदर क्या चल रहा है इसके अंदर ये देखिए, पहले समझते हैं ये देखिए किस तरह से ये करेक्शन को कवर करता हुआ, यानी कि करेक्शन होके करेक्टिव होके अब फिर से अप ट्रेंडिंग की तरफ आ चुका है, और आज का रिजल्ट का इंपैक्ट देखने को मिला तो इसके अंदर जो ये क्रॉस मूव आ रहा है 7 डेज का, ये क्रॉस मूव के बाद इसके अंदर हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई आज के दिन में। तो अब मुझे देखिए, अब इसमें हम लोग को करना क्या है, 440 का स्टॉप लॉस रखिए, तो जो मेरा इसमें पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा आज का हाई, यानी कि 479 का आज का हाई था, तो मेरा पहला टारगेट है 480 रुपये का, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 490 रुपये का, तीसरा टारगेट है 500 रुपये का, ये 500 का लेवल दिखा देगा आपको 10 से 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर आपको 500 तक के लेवल दिखा देगा ये डेफिनेटली। तो आपको इसमें क्या करना, देखिए RSI इसका MACD पे अप ट्रेंडिंग है, RSI दोनों अप ट्रेंडिंग है, और ये देखिए यहाँ पे ये 100 दिन के एवरेज मूव को क्रॉस मूव करने के लिए तैयार बैठा हुआ है शेयर, यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर ये 100 डेज के एवरेज मूव को जैसे ही क्रॉस ओवर करेगा तो इसमें और भी अच्छे लेवल देखने को मिलेगा, जब भी मैं बोल रहा हूँ आपको 500 तक के लेवल है, क्योंकि ये भी एवरेज मूव इसके टचिंग पे जा रखी है, 7 डेज के एवरेज में दोनों क्रॉस करके जाने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है आज के दिन में, थोड़ा सा जोर जूम कर लेता हूँ मैं, ये देखिए ये आपको दिख रहा है, तो हल्का सा अप ट्रेंडिंग तरफ आ चुका है और हैवी वॉल्यूम के साथ बाएंगे। देखिए आज भी कल भी इन्हें इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल ट्रेड हुई थी और आज भी इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल ट्रेड हुए, दोनों दिन वॉल्यूम अच्छे हुए हैं। तो वॉल्यूम के साथ साथ ये देखिए ये जो कैंडल है इसका लो है 445, मैं 440 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, पहला टारगेट 480 का, दूसरा टारगेट 490 का, तीसरा टारगेट 500 रुपये का, तीनों टारगेट का बाय करिए, पिछले साथ होल्ड रखिए। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, आज ये अपने 19 दिन के अप ट्रेंडिंग की तरफ है। ठीक है, ये देखिए इसने 19 अक्टूबर को हाई मारा था, यानी 466.70 रुपये का, तो उस यानी कि ये ब्रेकआउट मारा इन्हें 19 दिन के हाइस पे चल रहा है आज के दिन पे, ये यानी 15 दिन इसके 15 डेज के हाइस पे इस टाइम पे शेयर। ठीक है, 15 दिन के हाई के नेकलेस को तोड़ के जब ये कैंडल इन पे सपोर्ट लेगा स्टार्ट करेगा, तो ये कैंडल पे सपोर्ट लेगा इस कैंडल के अंदर, ये देखिए ये जो कैंडल है इस पे सपोर्ट लिया है इसने, इस कैंडल से ही अप हुआ है, अभी इस कैंडल को पूरा कवर करेगा, तो इसके अंदर 531 तक की कैंडल है, तो मेरे जो टारगेट है इसी कैंडल में सारे हिट हो जाएंगे। ये डेली चार्ट के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग है, देखिए यहाँ भी हैवी वॉल्यूम के साथ है, यहाँ इसको सपोर्ट मिला है, सपोर्ट के बाद ये डेफिनेटली और भी अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। कल के सीजन में आपको इसमें अच्छी अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, 2 दिन शायद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो 440 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें 10 से 15 दिन के अंदर तीनों टारगेट छोड़ेंगे, पहला टारगेट 480 का, दूसरा टारगेट 490 का, तीसरा टारगेट 500 रुपये का, इन तीनों टारगेट लिया बाय करिए, पिछले होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।